यूको बैंक में कथित तौर पर अरबों करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया है। अब इस मामले में सीबीआई ने हाल ही में राजस्थान और महाराष्ट्र में तलाशी ली है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लोगों के बैंक खातों में अचानक से हजारों रुपए आ कैसे गए और जानेंगे कि क्या है ये कथित यूको बैंक स्कैम, IMPS क्या होता है और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई FIR में क्या लिखा गया है। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दिलल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने हाल ही में यूको बैंक में 820 करोड़ रुपए के IMPS से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस केस में महाराष्ट्र और राजस्थान के 7 शहरों में 67 जगहों पर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड के दौरान जांच एजेंसी ने 130 दस्तावेज, 40 मोबाइल, 2 हार्ड डिस्क और 1 इंटरनेट डोंगल सीज किए हैं। ये रेड कितनी बड़ी थी इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सीबीआई के अधिकारियों को इसके लिए 330 पुलिस के जवानों की मदद लेनी पड़ी। तलाशी के लिए इन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 40 टीमों में बांटा गया। सीबीआई को इस छापेमारी के दौरान जो जो दस्तावेज और बाकी चीज़ें मिली हैं अब वो इन सभी चीज़ों की फॉरेंसिक जाँच कराएगी। इस मामले में पिछले साल दिसंबर महीने में भी सीबीआई ने कोलकाता और मैंगलोर में 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब यूको बैंक से जुड़े कथित स्कैम के बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल हुआ ये कि नवंबर 2023 में यूको बैंक के करीबन 41,000 खाता धारकों के बैंक खातों में अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए थे। यूको बैंक के खातों में आई कुल रकम करीबन 820 करोड़ रुपए थी। अगर आप बैंकिंग का लेन देन करते हैं तो आपको पता होगा कि UPI जब नहीं आया था तब पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए नेट बैंकिंग से लोग RTGS या फिर नेफ्ट जैसे पेमेंट मोड का इस्तेमाल करते थे। पैसे भेजते समय खाताधारकों से तमाम तरह की जानकारियां भी मांगी जाती थी। ऐसे में एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचने में घंटों लग जाते थे। इसके बाद UPI बनाने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने IMPS की सुविधा पेश की। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जैसा कि नाम से पता चलता है इसके जरिए एक खाते से दूसरे खाते में पैसा फटाफट चला जाता है, यानी IMPS तत्काल भुगतान सेवा की सुविधा देता है। इसके जरिए लोगों को इंटरनेट और फोन बैंकिंग के जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। रियल टाइम लेन देन होने के कारण ज्यादातर लोग इस पेमेंट सर्विस का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस सर्विस के जरिए रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक की ओर से एक लिमिट सेट की जाती है, उस सीमा से ज्यादा का रकम आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वहीं UPI की तरह केवल पासवर्ड डालकर IMPS से पैसा नहीं भेज सकते हैं। IMPS करने के लिए भी निफ्ट के लिए मांगी जाने वाली सारी जानकारियां भरनी पड़ती हैं और फिर कुछ सेकंड में पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसी IMPS के जरिए पिछले साल 10 से 13 नवंबर के बीच अचानक से यूको बैंक के अकाउंट होल्डर्स को अलग अलग बैंकों के अकाउंट से अचानक पैसे आने लगे थे। ये कुल रकम 820 करोड़ रुपए थी और कुल लेन देनों की संख्या 8.5 लाख के आसपास। लेकिन वजह नहीं पता चल पाई थी कि किसने पैसे भेजे और क्यों भेजे। किसी ने स्कैम कहा तो किसी ने तकनीकी खामी कही। यूको बैंक ने इसे तकनीकी समस्या बताया। खातों में आए 820 करोड़ रुपए यूको बैंक की देश भर की 2874 बैंकों की शाखाओं का नाम शामिल था। ये पैसा 35 राज्यों की अलग अलग बैंकों से आया था जिसमें यूको बैंक शामिल नहीं है। पहले बैंक ने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था और बैंक ने उस समय देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE को बताया था कि बैंक में तकनीकी खामी के चलते ये गड़बड़ी हुई थी। लेकिन बाद में ये मामला 820 करोड़ रुपए का निकला। अब लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि किन बैंकों से यूको बैंक के खाता धारकों में पैसे भेजे गए थे। यूको बैंक की तरफ से दर्ज FIR के अनुसार यूको बैंक के अकाउंट में IDFC फर्स्ट बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक से पैसे भेजे गए थे। अब दूसरी बात यह है कि CBI ने FIR में क्या लिखा है। CBI ने इस मामले में बेंगलोर स्थित एलकोड टेक्नोलॉजीज के सपोर्ट इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव और सुप्रिया मलिक के खिलाफ FIR दर्ज की है। यूको बैंक ने इस कंपनी को IMPS चैनल सहित बैंक के लिए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन विकसित और उसे मेंटेन करने का काम सौंपा था। घटना के दौरान ये दोनों लोग ही मौजूद थे और लॉग रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि दोनों में से ही किसी ने 8 नवंबर की शाम 7 बजे बैंक से ऑथराइजेशन के बिना IMPS लेन देन का पोर्ट नंबर बदल दिया था।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सिस्टम में किए गए कथित बदलावों के कारण कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर ने लाभार्थी के खाते में पैसा जमा कर दिया, लेकिन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से रिसीवर बैंक को लेन देन फेल होने का संदेश भेजा। जांच के दौरान सीबीआई ने यह भी पाया कि कई अकाउंट होल्डर ने अलग अलग बैंकिंग चैनलों का उपयोग करके यूको बैंक से पैसा निकालकर दुरुपयोग किया। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि कई खाताधारकों ने दूसरों के साथ सहयोग किया और सिंडिकेट तरीके से इन अवैध लेनदेन को अंजाम दिया गया। अब इसी सिलसिले में सीबीआई ने कई शहरों में रेड की है। सीबीआई को अब उन लोगों की तलाश है जिनके खाते में पैसा तो आया लेकिन उन्होंने बैंक को वापस करने की बजाय अपने पास ही रख लिया। हालांकि यूको बैंक का कहना है कि उसने 664 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है, लेकिन 150 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी भी वसूलनी बाकी है। आपको बता दूं कि यूको बैंक की स्थापना करीबन 81 साल पहले 1943 में देश के मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला ने की थी। फिलहाल देश भर में इस बैंक की 3000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। इस बैंक का हेड ऑफिस कोलकाता में है। बैंक की हांगकांग और सिंगापुर में भी ब्रांचेस हैं। यूको बैंक भारत का 10वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। साल 2023 में बैंक का कुल मार्केट कैप करीबन 49,000 करोड़ रुपए था। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसे लगी आपको ये सारी जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए दिल्ली लन टॉप। शुक्रिया।